किसान अपने खेतों में बड़े ही उम्मीदों के साथ बीज बोता है, लेकिन कई किसान आखिरकार अपनी खेती को मुनाफे में बदलने में कामयाब नहीं हो पाते। इन्हीं चंद किसानों में से हैं खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के बुढ़वा पड़री गांव के रामदास साहू। रामदास साहू अपने 4.5 बीघे खेत में अन्य किसानों की तरह ही मक्का, धान, गेहूं की खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। इन्हें इस पारंपरिक खेती से कुछ रुपए का मुनाफा भी प्राप्त हो जा रहा था। जिससे कि उनके परिवार का बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने और कुछ अलग करने की लालसा लेकर वे एक दिन कृषि विज्ञान केंद्र खगड़िया पहुंचे और अपनी इच्छा को जाहिर किया। मैं खेती करता था पहले, और खेती में हमेशा नुकसान ही मिला। हमेशा मकई, गेहूं, धान, यही सब का खेती होता था। कभी ओले का मार पड़ गया तो कभी आंधी में मक्का गिर गया तो कभी धान गिर गया। इससे हमें हमेशा हम लोगों को नुकसान ही नुकसान पड़ रहा था। हार के मजबूर होके मैंने देखा देखी पर कृषि विज्ञान केंद्र खगड़िया से संपर्क किए। कृषि विज्ञान केंद्र के बड़े पदाधिकारी हमको आश्वासन दीजिए कि आप भी कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग ले लीजिए, जिससे कि आपका कुछ समय निकल जाएगा, कुछ आमदनी का स्रोत बन जाएगा। तो उसके बाद हमने हाँ करके चला आया, और दूसरे दिन मुझे ऑफर मिला कि आइए, आपका ट्रेनिंग मुर्गी पालन के लिए चल रहा है, आप अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो मैंने गया वहाँ, तो मुर्गी पालन पर हमने ट्रेनिंग लिया, जिसमें हमारे डॉक्टर सत्येंद्र बाबू ट्रेनिंग दे रहे थे, और उन्होंने उसमें बहुत तरह से हमको मुर्गी के बारे में दो वेराइटी का विस्तार तरीका से हम लोग को बताए, और बाद में आश्वासन दिए, मार्गदर्शन दिए उन्होंने। तो हमने मुर्गी पालन शुरू किया, और बहुत छोटे रकम से हमने शुरू किया। खगड़िया जिले के किसान वर्षों से मक्का की परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, लेकिन मक्का की खेती से किसानों को कभी फायदा तो कभी नुकसान का सिलसिला चलता रहता है। इसके कारण किसान आय के अन्य स्रोतों की तलाश में लगे रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र खगड़िया के मार्गदर्शन में रामदास साहू ने मात्र 1 कट्ठा जमीन पर 200 वनराजा चूजे मंगाकर मुर्गी पालन की शुरुआत की। मेरे पास ये जमीन बेकार की जमीन पड़ी हुई थी, तो मन में सोचा कि चलो इसमें ऐसे बेकार पड़ी हुई जमीन है, ये है तो इसको क्या बोलते हैं, इसी में इस्तेमाल कर लेते हैं। 20,000 पूंजी इसमें लगा दिए सर के कहने के मुताबिक, तो 200 चूजा हमने इसमें रखा। बैकयार्ड मुर्गी पालन यानी घर के पीछे खाली जगह पर खुले में मुर्गी पालन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार योजना भी चला रही है। आप सिर्फ 500 रुपए से बैकयार्ड मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसान इसको व्यवसायिक रूप देना भी चाहें तो 10,000 से 15,000 रुपए की लागत से छोटा सा बांस का फार्म बनाकर मुर्गियों को रखकर भी पालन कर सकते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए ग्राम प्रिया और बनराजा जैसी उन्नत नस्लों को पाल सकते हैं। देसी नस्लों की अपेक्षा उन्नत नस्लों में अंडा देने की क्षमता ज्यादा होती है और शारीरिक वजन भी ज्यादा होता है, जिससे कि अंततः लाभ अधिक होता है। इन नस्लों को पालने में जगह की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक मुर्गी के लिए लगभग 1 वर्ग फीट की जगह काफी होती है, और अंडा के लिए 2.5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी की दर से जगह की आवश्यकता होती है। एक कट्ठे में ही एक मॉडल को दिया और कोशिश किया कि इसका जो खर्च होता है उसको भी कम किया जाए। तो कम करने के लिए हम लोगों ने आहार में 2-3 कंपोनेंट को जोड़ा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एजोला पिट लगवाया है, तो हम लोगों ने जो मुर्गी का आहार होता है जिसमें लगभग 60 से 70% खर्च हो जाता था, तो उसको हम लोगों ने मतलब 3/4 कम करने किया है, और उसको कम करने के लिए हम लोगों ने एक एजोला इनपुट को यूज़ किया है। और वो हम लोग क्या करते हैं कि डेली जो मुर्गी का खुराक होता है उसका 25% हम लोग एजोला देकर उसे आहार की पूर्ति कर लेते हैं।
बाकी 25% हरा चारा वगैरह जो किसान अपने खेतों से काट के लाते थे वो खिला देते थे, और रात में शाम जब होती तो एक बल्ब भी जला देते थे, और जिससे क्या होता था कि जितना भी आसपास का कीड़ा है वो नीचे आ जाता था। तो उससे होता क्या था कि वो शाम में मुर्गियां कीड़े को चढ़ लेती थी तो उनको प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत बिल्कुल ही मुफ्त में मिल जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि ये 25% करके टोटल 75% जो खुराक था मुर्गियों का वो बिल्कुल मुफ्त में ही हम लोगों ने व्यवस्था किया, और बाकी 25% जो खुराक था वो दाना मिशन हम लोग देते हैं। वो भी जो दाना मिशन है वो घर में ही निर्मित किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि इनके पास 4 एकड़ की ज़मीन थी, तो उसमें जो वो मक्का गेहूं और सोयाबीन उपजाते थे उसी से हम लोगों ने थोड़ा सा दर्रा बना के वो दाना मिशन तैयार कर लिया। तो इस तरह आप देखें वो जो दाना मिशन भी है लगभग उनको मुफ्त में ही मिल जाता था। तो ये इनके खुराक का जो 60-70% खर्च होता था वो बिल्कुल ही इनको मुफ्त कर दिया। तो इससे होता क्या था कि इनका मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रामदास ने देखा कि मात्र 3 से 4 महीने में ही बनराजा चूजा लगभग 3 किलोग्राम के वजन तक हो गया है। लगभग 130 मुर्गी को 200 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर इन्हें पहले साल ही 70,000 रुपए का मुनाफा हुआ, और बाकी बची हुई मुर्गियों से अंडा उत्पादन आगे ये कर रहे हैं, जिससे कि इन्हें प्रतिदिन लगभग 300 रुपए की तो आमदनी हो ही जाती है। इस मुनाफे से प्रेरित होकर रामदास साहू ने ठान लिया है कि वे बनराजा मुर्गी को आय का मुख्य जरिया बनाएंगे। रामदास साहू जहां अपने 4.5 बीघे की जमीन पर पारंपरिक खेती से नफा नुकसान के चक्र में उलझते जा रहे थे, वहीं मात्र 1 कट्ठा की जमीन पर मुर्गी पालन से स्थायी रूप से लगभग 1 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी अर्जित कर सफलता की एक नई कहानी रच रहे हैं।